सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मार्केट खुलने वाला है, और थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हो इसके मदद से। ओके, और मैं यहाँ पर मेरे ब्रोकर भी ओपन कर लेता हूँ। थ्री नाइन लॉगिन कर देता हूँ। सो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और मेरे पास फंड है 173 रुपीज़। इसके मदद से हम इसको छोटी सी दूर का ट्रेड करके देखेंगे। ओके ओके, मैं अभी लॉगिन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है और मैं यहाँ पर एक दूर का कोई पुट ले लेता हूँ। आज मंडे है सो मैं फिर निफ्टी यूज़ करूँगा क्योंकि कल एक्सपायरी है इसका, और मैं यूज़ करूँगा दूर का ATM3। अभी यहाँ पर 12 रुपये चल रहा है, और भी दूर का ले लेता हूँ 107 रुपये का, क्योंकि इसको मैं जो डेमो दिखाने के लिए इजी हो। सो यहाँ पर इस 1.2.9 के वर्जन में यहाँ पर आपको मार्केट ऑटो लिमिट और लिमिट का ऑप्शन है। ओके, मैं यहाँ पर मार्केट चूज़ करूँगा और लिमिट और टारगेट है। यहाँ पर क्या होता है कि लाइव मार्केट में एक ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कोई भी एक ऑर्डर को चूज़ करने के लिए रखा है। सो मैं फ़िलहाल SL रखता हूँ और पॉइंट्स को रखता हूँ 5। ओके, और लॉट साइज रखता हूँ 1, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो 15 लाइक दैट। ओके, और यहाँ से आप 15 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल 5 पॉइंट्स रख देता हूँ और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देता हूँ SL। ओके, और यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाई पे क्लिक करता हूँ, कैसे वर्क होता है देखेंगे। ओके, मैं बाई पर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। ओके, फंड की वजह से मे भी रिजेक्ट हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, मैं पुट का ले लेता हूँ 5 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं पॉइंट्स रख लेता हूँ 3 और लॉट साइज 1 SL, और रख देता हूँ पुट बाय कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो पुट यहाँ पर बाय हो चुका है और यहाँ पर ऑर्डर ट्रिगर पेंडिंग पे जा चुका है, राइट। सो मैंने पुट लिया था, यहाँ पर ट्रिगर पेंडिंग और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप पोजीशन में आपका MTM देख सकते हो, प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको इसको टारगेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है ट्रिगर, आपका प्राइस है 1.3 पर, यहाँ पर आपका ट्रिगर हो जाएगा। सो इसको मुझे टारगेट में कन्वर्ट करना है। सो फिलहाल यहाँ पर 5-6 रुपीज़ चल रही है, मैं यहाँ पर 6 रुपये में -1 कर देता हूँ। यहाँ पर -1 मीन्स टारगेट के लिए, सो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन में कन्वर्ट हो गया है, करेक्ट। सो दैट मीन्स अभी ये 6 रुपये 60 पैसे होते ही मेरा यहाँ पर ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सो इसको मैं अभी स्टॉप लॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। सो फॉर एग्जांपल मैं -2 कर देता हूँ, -2 नहीं 2 कर देता हूँ, +2 मीन्स मॉडिफाई। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप लॉस पे कन्वर्ट हो गया है ट्रिगर पॉइंट। अभी मैं मुझे 6 पे मुझे बेचना है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सो -1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन। सो यहाँ पर 6.75 होते ही यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। सो ऐसे ही आपको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो, सेल करने के लिए इस पर क्लिक करो और डायरेक्टली यहाँ पर इसको सेल करना पड़ेगा। इससे पहले आपको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा, जो कोई भी ओपन ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो कैंसिल हो चुका है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सेल कर सकता हूँ, सेल करता हूँ। अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है 6.35, मैं करता हूँ 6.9 पे, मैं 7 पे सेल करता हूँ। सो 7 नहीं, 7 पे सेल करता हूँ।
7 पे सेव करता हूँ मैं, कंफर्म। 7 नहीं, 7.35 हो चुका है, मैं 8 कर देता हूँ फिलहाल, कंफर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन ऑर्डर में 8 रुपये चल गया है। अगर ये 8 पे पहुँचते ही आपका टारगेट हिट हो जाएगा, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप फिलहाल स्टॉप लॉस के लिए। सो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा कि 5 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो करेंट प्राइस से नीचे 1 रुपये में। अभी मैं -1 कर देता हूँ। सो इस तरह आप डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो 7.3। अगर यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली सेल करना है 6 रुपये में, मैं क्या करता हूँ ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ और सेल पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 5.95। सो मैं 5.6 पर मैं इसको सेल कर देता हूँ। ओके, कंफर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है ऑर्डर। अगर इस 6 पे पहुँचते ही टारगेट हिट हो जाएगा। वेट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट हिट हो चुका है। सो इस तरह आप स्वैप करके यहाँ से आप टारगेट कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मेरा अभी का MTM है 66 रुपीज़ का, अभी यहाँ पर फ़ायदे में। ओके, इसी तरह आप यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट लगा के वाइस वर्सा रिवर्स प्रोसेस को आप कर सकते हो। टारगेट पहले टारगेट लगा सकते हो, बाद में इसको स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। और बाकी का सेम प्रोसेस है इसमें भी, ऑटो लिमिट और लिमिट में भी। लिमिट में आपको क्या होता है, आपको किस प्राइस में बाई करना है, बाई करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिमिट लगा लेता हूँ और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और प्राइस लगा देता हूँ 3। ओके, मैं बाय करता हूँ। अभी मुझे लेना है 5.2 पे मुझे पुट लेना है, बाय 4.5 पे लेना है, नहीं 5 पे लेना है। ओके, 5 बाय। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, 5 पर ट्रिगर हो चुका है और मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिबल लग चुका है। ओके, अभी मुझे इसको टारगेट में कन्वर्ट करना है। सो -1, सो -1 मीन्स टारगेट मीन्स -5, -10, माइनस लाइक दैट। प्लस मीन्स आपका स्टॉप लॉस है। ओके, मैं -1 में कर देता हूँ क्योंकि मॉडिफाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा अभी टारगेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे 6.66 हो जाता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा इधर, ठीक है फ्रेंड्स। सो सेम वे आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं 5.15 चल रहा है। मैं डायरेक्टली मैनुअल टारगेट को हिट करूँगा। सो इसके लिए मुझे करना क्या है कि इसको सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना है, जो कुछ भी ओपन या पेंडिंग ऑर्डर है, बाद में मैं सेल कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ से ऑर्डर को कैंसिल करूँगा, कैंसिल हो चुका है। फिर मैं सेल में जाऊँगा और चूज़ करूँगा मेरा प्राइस। मैं प्राइस सेल करूँगा 5 मई में, 5.10 में मैं सेल करूँगा, ठीक है, और कंफर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5.10 में मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो और यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉक्स देख सकते हो, जो कुछ भी आपने ट्रेड दिया है। ओके, और यहाँ पर अगर जो कुछ भी पेंडिंग है, सो सब कुछ आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको स्क्वायर ऑफ क्लिक करें, सब कुछ स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, आपको एक आइडिया लग गया होगा और आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।